हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? मज़े में? तो पिछला टॉपिक हमारा क्या था? क्या था पिछला टॉपिक, याद है? खैर जो भी हो, हमारा जो चैप्टर का नेम है क्या था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड पार्ट टू, है ना? तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड पार्ट टू ये हम देख रहे थे। इसमें हमने अभी तक जो देखा था धारा रेखी प्रवाह, विक्षुब्ध प्रवाह, तो ये सब प्रवाह को देखा था ना। लेमिनर फ्लो भी देखेंगे आप, उसके पहले कुछ डेफिनेशन नहीं है। तो क्या देखा था हमने? विक्षुब्ध प्रवाह, जब तरल का वेग एक निश्चित वेग जिसे हम क्या बोलते थे क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है, तो उसका पथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, माने टेढ़ा मेढ़ा के अनियमित हो जाता है, इसी को हम विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। बोले थे विक्षुब्ध प्रवाह। तो ऐसी स्थिति में कि क्या होता, किसी बिंदु से गुजरने वाले तरल का, है ना, तरल का कण उस पथ का अनुसरण नहीं करते हैं जिसका अनुसरण पिछले पथ ने किया था, है ना, पिछले कणों ने किया था। तो तरल के इस प्रवाह को हम क्या कहते थे? विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक, तो आज हम देखेंगे कुछ डेफिनेशन, जैसे श्यान द्रव, असंपीड़ित द्रव और आदर्श तरल, इसको हम देखेंगे, और लेमिनार फ्लो जैसे कि हमने। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग फिजिक्स और क्लास 11 एंड द टॉपिक नेम ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड पार्ट टू। तो पंखा चला लीजिए वहाँ से, आप बैठिए वहाँ से चला के वाला पंखा, उसे डंडस चला लीजिए। ओके, तो आज हम देखेंगे कि श्यान द्रव, श्यानता को हमने परिभाषित किया था जब हमारा चैप्टर चालू हुआ था, तब उसमें हमने श्यानता को अच्छी तरीके से समझाया था, और हम तो अच्छी तरीके से समझाए थे और उम्मीद है कि आप लोग भी समझेंगे, है ना। तो श्यान द्रव, श्यानता, श्यान द्रव, ठीक है। श्यानता का गुण क्या होता है, श्यान द्रव क्या होता है? तो श्यान द्रव किसे कहते हैं? विस्कस लिक्विड। तो ऐसे द्रव को हम श्या करते हैं जिसमें क्या होती है, श्यानता होती है। ठीक, जिसमें श्यानता होगी वो श्यान द्रव। द लिक्विड हैविंग विस्कोसिटी इज नोन एज, क्या बोलेंगे, विस्कस लिक्विड। ओके, क्लियर है। दूसरा है असंपीड़ित द्रव, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, असंपीड़ित द्रव। तो ऐसे द्रव को हम असंपीड़ी कह सकते हैं जिसका आयतन या घनत्व, ऐसे द्रव को हम क्या करेंगे, असंपीड़ित द्रव करेंगे जिसका आयतन या घनत्व प्रवाह के दौरान क्या होता है, समान रहता है, नियत बनाता है। तो इस प्रकार के द्रव को हम क्या कर सकते हैं, असंपीड़ी, जिसका वॉल्यूम एंड डेंसिटी रिमेंस कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग टू फ्लो। क्लियर, ए लिक्विड वोज वॉल्यूम एंड डेंसिटी रिमेंस अनचेंज, ए लिक्विड वोज डेंसिटी एंड वॉल्यूम रिमेंस अनचेंज ड्यूरिंग द फ्लो इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। क्लियर हुआ कि पहला श्यान द्रव, दूसरा असंपीड़ित, मैंने जिसका आयतन घनत्व क्या रहता है, जब प्रवाह कर रहे होता है उसके दौरान बदलता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने बदलेगा नहीं, जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। ते क्यों होता है ऐसा, कि अधिकांश द्रव, मैक्सिमम, मोस्ट ऑफ द लिक्विड इनकम्प्रेसिबल, अधिकांश द्रव क्या होते हैं, कैसा होता है, असंपीड़ी होते हैं, क्या होता है, इनकम, इसको कंप्रेस हम नहीं कर सकते। ओके, अब जब उसको, ऐसे द्रव को जब हम दबाते हैं, है ना, या दबाएंगे, जैसे ही हम द्रव को प्रेस करते हैं, तो उनके आयतन में और घनत्व परिवर्तन होता है नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है। क्या बोला मैंने, कि मैक्सिमम जो लिक्विड होते हैं वो कैसे होते हैं, असंपीड़ी होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और जब ऐसे द्रव को हम प्रेस करेंगे, है ना, तो क्या होगा, घनत्व आयतन में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, नगण्य होगा। बिकॉज ड्यू टू कंप्रेशन द चेंज प्रोड्यूस इन देयर वॉल्यूम एंड डेंसिटी आर नेग्लिजिबल। ठीक, ये हो गया, हम क्या देखें, असंपीड़ित द्रव, कौन सा द्रव देखें, असंपीड़ित द्रव। अब बात आती है आदर्श तरल की, आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड। तो हम किसको बोल सकते हैं आदर्श तरल? तो ऐसे द्रव को हम आदर्श तरल कहते हैं जो
क्या होंगे? अश्यान, जो कि श्यांता नहीं होगी, अश्यान होंगे, और क्या होगा? असंपीड़ी, है ना। नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज नोन एज आइडियल लिक्विड। तो जो क्या होंगे? अश्यान, अश्यान का मतलब नॉन विस्कस, और असंपीड़ी मतलब इनकम्प्रेसिबल होंगे, तो उसको हम बोल देंगे कि यह जो तरल है कैसा है? आदर्श तरल है। अब आदर्श तरल है तो प्रवाह होगा, इसका प्रवाह विच टाइप ऑफ फ्लो, किस टाइप का प्रवाह होगा? इसका स्थायी प्रवाह होता है, और ये अघूर्णी होते हैं, ये रोटेशनल होते हैं या स्टेडी और इरोटेशनल, अघूर्णी होंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी है ना डेफिनेशन थे, तो क्लियर हुआ होगा कुछ, इसको अपने ऑन वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। ओके, द फ्लो ऑफ आइडियल लिक्विड इज स्टेडी एंड नॉन रोटेशनल। नो लिक्विड इन नेचर बिहेव लाइक आइडियल लिक्विड, नो लिक्विड इन नेचर बिहेव लाइक। ठीक, अब देखते हैं हम स्तरीय प्रवाह, क्या देखेंगे? लैमिनार फ्लो। थोड़ा सा ये आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो जाएगी, ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ओम तिवारी जी को बहुत दिक्कत होता है बैठने में, तो वीडियो को हम क्या करेंगे? छोटा करेंगे। लैमिनार फ्लो देख रहे हैं, एक पैराबोलिक है और दूसरा क्या प्लेन है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे हैं लैमिनार फ्लो का, है ना। लैमिनार फ्लो के बाद दो तीन टॉपिक हो गए, फिर बर्नौलीस इक्वेशन है तो उसको हम कर लेंगे, क्योंकि क्लासेस रेगुलर चल ही रही है तो समय नहीं मिल पाता, छोटे टॉपिक बाद अगले क्लासेस रहती है, क्लास 11, क्लास 12, क्लास 11 फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स, क्लास उसके बाद 9, 10th भी रहते हैं, तो बड़ी समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो को इसलिए आप लोग अच्छे से देखिए, जो पढ़ते हैं उसी को देख लीजिए तो दिमाग में एकदम बैठ जाएगा। अब हम बारे श्यान द्रव, श्यान द्रव माने क्या होता है? जिसमें श्यानता होती है, ऐसी द्रव जिसके में श्यानता का गुण होता है हम श्यान द्रव। जब ऐसा द्रव माने श्यान द्रव किसी नली में होकर क्रांतिक वेग, बताए थे हमने क्रांतिक वेग से कम वेग पर प्रवाहित होगा, तब क्या होगा? ऐसा वेग, ऐसा द्रव जो कि श्यान द्रव है, जब किसी नली में से होकर क्रांतिक वेग से माने क्रिटिकल वेलोसिटी से कम वेग पर प्रवाहित होता है, तब क्या होगा? तो उसकी विभिन्न परतों का वेग श्यानता के कारण अलग अलग होगा, है ना। नीचे से ऊपर जाने पर द्रवों का वेग क्या होता है? बढ़ता है ना। जब कोई ऐसा द्रव जो कि श्यान द्रव किसी नली में क्रांतिक वेग से कम वेग पर, क्रांतिक वेग से कम वेग पर जब बह रहा है, फ्लो हो रहा है, तो उसकी विभिन्न अलग अलग परतों का वेग क्या हो जाएगा? अलग होगा। क्यों? श्यानता के कारण। व्हेन, अब इसको लिखेंगे कैसे, व्हेन ए विस्कस लिक्विड फ्लो थ्रू ए ट्यूब विथ लो वेलासिटी देन इट्स लो क्रिटिकल वेलासिटी देन इट्स डिफरेंट लेयर मूव विथ डिफरेंट वेलासिटी, है ना। तो ये बना दें कि अलग अलग परतों का वेग अलग अलग होगा, ऐसा ही स्थान होगा श्यानता का, मैंने अलग अलग विभिन्न परतों का वेग श्यानता के कारण विभिन्न होगा। अब देखिए टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। द्रव की जो परत नली के संपर्क है, मान लिया कि मैंने नली है, ये नली है, तो यहाँ पर ये सरफेस है नली का, और बीच में तो खाली है, हॉलो है, तो द्रव की जो परत नली के संपर्क में होती है उसका वेग ज़ीरो होगा। द्रव की जो परत नली के संपर्क में होती है उसका वेग क्या होगा? ज़ीरो होगा। क्यों होगा इसका वेग ज़ीरो, है ना। अब देखिए इसका वेग ज़ीरो क्यों होगा? नली के दीवार से उसके अक्ष की ओर जाने पर, ये नली की दीवार है, उससे हम अक्ष की ओर जाएंगे। जैसे ही हम नली की दीवार से माने जो द्रव की जो परत नली के दीवार के संपर्क में है उसका वेग तो सिंपल ज़ीरो होगा, लेकिन जब हम नली की दीवार से उसके अक्ष की ओर जाएंगे तो उसका वेग बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ेगा ना। क्लियर हुआ कि जो तरल नली की दीवार के संपर्क में है उसका वेग ज़ीरो होता है, लेकिन जैसे ही हम अक्ष की ओर जाते हैं उसका वेग बढ़ता जाता है। द वेलासिटी इज मैक्सिमम एट द एक्सेस, द वेलासिटी ऑफ लिक्विड
इज मैक्सिमम एट द एक्सेस एंड विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस इन द रेडियल डायरेक्शन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इंक्रीज ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, माने उसके एक्सपर्स मैक्सिमम होगा, जैसे हम उसके दीवार के वॉल्स की हो जाएंगे तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा फॉर द लेयर इन कॉन्टेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। ठीक, तो नली की दीवार के संपर्क में जो तरल है उसका वेग जीरो हो जाएगा, अक्षीय हो जाएंगे, बढ़ते जाएगा और फिर उसका काम होगा दूसरी दीवार पर फिर से जीरो हो जाएगा। क्लियर, तो हम ऐसे मान सकते हैं कि श्यान द्रव, क्या मान सकते हैं, जो विस्कस लिक्विड होगा श्यान द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे के पर फिसलते हुए ऐसे फिसलते हुए आगे बढ़ती है। क्या हम मान सकते हैं, ऐसे सपोज कर सकते हैं, इमेजिनेशन करते हैं कि श्यान द्रव विभिन्न परतें, श्यान द्रव की विभिन्न परतें एक दूसरे के ऊपर फिसलते हुए क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती हैं। इसी प्रकार के प्रवाह को स्तरीय प्रवाह या पटरली प्रवाह कहते हैं। नोट कर लो इस पॉइंट को कि द्रव की जो परतें हैं एक दूसरे से फिसलते हुए क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना, एक दूसरे से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के द्रव के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, स्तरीय प्रवाह। द फ्लो मे बी इमेजिन्ड, हम ये कल्पना कर सकते हैं, द फ्लो मे बी इमेजिन द कंसिस्ट ऑफ द लेयर शिपिंग एज शिपिंग पोस्ट ऑन शिपिंग पोस्ट वन अनादर सच ए फ्लो ऑफ द लिक्विड इज नोन एज द अल्यूमिनार फ्लो। ओके, इसको क्लियर हुआ, कोई डाउट? ओम तिवारी जी आप सो रहे हैं क्या, बैठिए, बुढ़ा हो गए हैं क्या, हाँ चले ठीक है, ठीक है ठीक, धीरे 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 बोलिए, धीरे धीरे, आपकी बात समझ में नहीं आती है, ठीक है, आप ऐसे ही बैठे रहिए और समझते रहिए। ठीक है, हमारा YouTube चैनल है, इसमें हम किसी प्रकार की गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, आप मुंह बंद रखिए, चुपचाप हमारी बातों को सुनते जाइए। ओके, क्लियर। तो ये श्यान द्रव का प्रवाह क्या होता है, हम क्या सपोज कर सकते हैं, द फ्लो मे बी इमेजिन टू कंसिस्ट ऑफ द लेयर शिपिंग पास्ट वन अनादर सच ए फ्लो ऑफ द लिक्विड इज नोन एज लुमिनार फ्लो। ओके, तो जब किसी श्यान द्रव का प्रवाह वेग है, मान लो किसी श्यान द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, शुरू से हमने बोला था ना, जब कोई श्यान द्रव किसी नली में से होकर क्रांतिक वेग से कम पर बह रहा हो, तो जब किसी श्यान द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम प्रवाह होता है, क्या लिखे, जब किसी श्यान द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसके प्रवाह को हम क्या, पटलित प्रवाह, स्तरीय प्रवाह कहते हैं। हैंस वेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ विस्कस, हैंस द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इज, हैंस वेन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ विस्कस लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, क्या बोले, लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी, इट्स फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब देखिए, हम श्यान द्रव के लिए एक वेलोसिटी प्रोफाइल, श्यान द्रव जो होता है, ये श्यान द्रव के लिए वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है, पैराबोलिक, देख रहे हैं ना, श्यान द्रव के लिए जो, इसको बोलते हैं हम हिंदी में वेग परिच्छेदिका, तो जो श्यान द्रव के लिए वेग परिच्छेदिका परवला क्या होता है, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर विस्कस लिक्विड, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर ए विस्कस लिक्विड ए पैराबोलिक शेप। ओके, क्लियर। अब मान लो कोई द्रव बह रहा हुआ है, तो बहते द्रव के लिए, किसी बहते हुए द्रव के लिए, मान क्या बोला, कोई द्रव बह रहा है तो बहते हुए द्रव के लिए वेग किसी परिच्छेद पर वेग सदिशों के शीर्षों को मिलाने वाले पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, वेग परिच्छेदिका। क्लियर, क्या कहा मैंने, फिर से सुन लीजिए, क्या बोला मैंने, बहते द्रव के किसी परिच्छेद पर, बहते हुए द्रव के किसी परिच्छेद पर वेग सदिशों के शीर्षों को जो मिलाने वाली
शेषों को जो मिलाने वाली क्या होती है, क्या बोला मैंने, बहते द्रव के किसी प्रक्षेप पर वेग सदिशों के शीर्षों को मिलाने वाला जो पृष्ठ होता है उसी पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, वेग प्रक्षेप। क्या कर रहे हो उधर, आराम से बैठो। क्या बोलते हैं, शीर्षों को जो मिलाने वाले पृष्ठ जो होता है उसको वेग प्रक्षेप का वेलोसिटी प्रोफाइल कहते हैं। द सरफेस ज्वाइनिंग द हेड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, द सरफेस ज्वाइनिंग द हेड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनोनस, क्या बोलेंगे, इज ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इन ए सेक्शन इन नोनस वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या लिखोगे इंग्लिश में, एक बार लिख लीजिए, द सरफेस ज्वाइनिंग द हेड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप इन ए सेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी प्रोफाइल। क्या गिरा रहे उधर, आराम से बैठो, हल्ला नहीं करो ना। क्लियर हुआ, ये हो गया हमारा, क्या हो गया, वेग प्रक्षेप का वेलोसिटी प्रोफाइल की बता दिए। तो श्यान द्रव की स्थिति में, मान लो कोई द्रव श्यान है, उस ऐसी स्थिति में कि उसका एक अक्ष पर, मैंने बताया था ना यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होता है, अक्ष पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो श्यान द्रव की स्थिति में अक्ष पर वेग अधिकतम, दीवार पर वेग जीरो होगा, और दीवार से अक्ष पर जाएंगे वेग अधिकतम हो जाता है, बढ़ते जाता है ना, तो दीवार पर वेग जीरो और अक्ष पर वेग अधिकतम होता है। इन द केस ऑफ विस्कस लिक्विड द वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द एक्सेस एंड इज मिनिमम एट द वॉल्स, देयरफॉर वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ विस्कस लिक्विड इज पैराबोलिक, देयरफॉर वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ विस्कस लिक्विड इज पैराबोलिक। जो श्यान द्रव के लिए क्या होता है, वेग पच्छिता का मान क्या होता है, वेग पच्छितिका का मान कितना होता है, पैराबोला होता है। अब हम चर्चा करते हैं वेग पच्छितिका का मान पैराबोलिक होगा श्यान द्रव के लिए, क्योंकि इसका दीवाल से अक्ष के बीच जाने पर वेलोसिटी बढ़ता है ना, और फिर अक्ष से फिर वाल की ओर जीरो हो जाता है, कम होता है तो जीरो हो जाता है। अब विस्कस लिक्विड की चर्चा हमने किया, पैराबोलिक होता है वेलोसिटी प्रोफाइल, तो नॉन विस्कस लिक्विड के लिए जो वेलोसिटी प्रोफाइल होगी कैसा हो जाएगा, प्लेन, ये तो बनाया है ना, ठीक। तो अश्यान द्रव के लिए जो वेग प्रच्छिद्धिका समतल होती है ना, क्यों होती है, व्हेन ए नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज थ्रू ए ट्यूब, क्या होगा, जब कोई अश्यान द्रव या नॉन विस्कस लिक्विड किसी नली में से प्रवाहित होती है तो उसकी सभी परतों का वेग क्या होगा, समान होगा, एक समान होगा, अलग अलग नहीं होगा। और यहाँ पर क्या था, श्यान द्रव के लिए मैक्सिमम से जीरो है ना, फिर मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम जीरो, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अश्यान द्रव के लिए सभी परतों का वेग क्या होगा, समान हो जाएगा है ना। अतः समस्त वेग सदिशों के सिद्ध, जितने भी वेग सदिश हैं उनके शीर्ष जो है समतल पर होंगे, ठीक है, लिख लीजिए, व्हेन ए नॉन विस्कस लिक्विड फ्लोज थ्रू ए ट्यूब देन द दे आर लो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है ना, द वेलोसिटी ऑफ ऑल द लेयर्स आर इक्वल्स, इन दिस कंडीशन द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन ए सेक्शन हैव देयर हेड्स इन ए प्लेन, देयरफॉर द फ्लो ऑफ लिक्विड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी प्रोफाइल। तो द्रव की सभी परतों का वेग क्या होता है, जब कोई अश्यान द्रव में बह रहा हो, किसी ट्यूब में नली बह रही हो कोई अश्यान द्रव, तो सभी परतों का वेग क्या होता है, एक समान होता है, तो उनका वेलोसिटी प्रोफाइल वेग पच्छितिका क्या होती है, समतल में होती है। ये चीज था अपना, क्लियर हुआ, कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो आज की हमारी वीडियो जो है बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी है ना, तो अभी तो 19 मिनट की, ज़्यादा जैसे 25 मिनट की आज की वीडियो होगी। तो बस आप लोग दो टॉपिक को ध्यान रखिएगा इसको। अब हम देखें हम श्यान और अश्यान द्रव के लिए वेग पच्छितिका का मान कैसा होता है, पैराबोलिक होता है श्यान द्रव के लिए, अश्यान द्रव के लिए समतल होता है, क्योंकि इसमें द्रव की परतों का वेग अलग अलग होता है, सभी परतों का वेग अलग अलग होगा ना, और इसमें क्या होगा, द्रव की सभी परतों का वेग क्या होता है, समान होता है, समस्त परतों का वेग समान होता है। तो सभी समस्त वेग सदिशों के शीर्ष एक समतल पर होंगे और उसमें क्या होंगे, एक पैराबोलिक में होंगे। क्लियर, अब देखते हैं हम अगला टॉपिक, रेनॉल्ड्स संख्या। क्या कर रहा है किट्टू, कुछ गड़बड़ के तो बहुत पीटूंगा मैं। अब देखें क्या, रेनॉल्ड नंबर,
अभी हम मेन टॉपिक को मिटा दिए हैं, तो हमारा टॉपिक का नाम क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लड टू पार्ट टू। रेनॉल्ड वुड, ऑस्बर्न रेनॉल्ड, ठीक, क्या नाम था, ऑस्बर्न रेनॉल्ड, बहुत सारे प्रयोगों किया और उस प्रयोगों के द्वारा एक डायमेंशनलेस नंबर, एक डायमेंशनलेस नंबर, एक विमाहीन राशि को डिफाइन किया। रेनॉल्ड ने अपने प्रयोगों के आधार पर एक ऐसी विमाहीन राशि, एक विमाहीन संख्या को क्या किया, परिभाषित किया, और उसकी सहायता से किसी नली में, उस विमाहीन संख्या के आधार पर किसी नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह, फ्लो ऑफ द नेचर ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, नली में बहने वाले द्रव के प्रवाह की प्रकृति का क्या किया, निर्धारण किया। तो उन्हीं के नाम के आधार पर हम इसको हम रेनॉल्ड संख्या बोलते हैं। रेनॉल्ड नंबर इज ए प्योर नंबर, रेनॉल्ड नंबर इज ए प्योर नंबर विद डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप, द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप। तो ऑस्बर्न रेनॉल्ड ये क्या था, 70 साल जिया था, 1842 से लेकर 1912 ऑस्बर्न रेनॉल्ड ऑन द बेस ऑफ देयर एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट फाउंड दैट, पाया कि इफ़ ए विस्कस लिक्विड, यदि श्यान द्रव, इफ़ ए विस्कस लिक्विड फ्लो थ्रू ए पाइप, यदि कोई श्यान द्रव किसी पाइप में बह रहा हो, इफ़ ए विस्कस लिक्विड फ्लोज थ्रू ए पाइप देन द क्रिटिकल वेलासिटी, तब उसके लिए क्रिटिकल वेलासिटी क्रांतिक वेग का मान किन किन मानों पर निर्भर करेगा। नंबर वन, क्रिटिकल वेलासिटी वी सी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द क्या था, कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी को अपन किससे रिप्रेजेंट किए थे, लास्ट में पढ़े थे ना, श्यानता गुणांक ईटा, ठीक है। तो ये जो क्रांतिक वेग था, द्रवों के प्रवाह के लिए क्रांतिक वेग को हमने समझाया था ना, तो ये जो क्रांतिक वेग था किस पर डिपेंड कर रहा था, ये ईटा पर, ईटा के माने श्यानता गुणांक के समानुपाती था। और दूसरा जो था किसका था, प्रोपोर्शनल, याद करो। और ये जो क्रिटिकल वेलासिटी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन था, क्रिटिकल वेलासिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वी सी इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द लिक्विड, डी से कर देते हैं, कुछ भी कर लो, डी से स्मॉल डी कर लो, कैपिटल डी कर लो, ठीक। माने डेंसिटी ज़्यादा होने पर क्रिटिकल वेलासिटी कम होता है, डेंसिटी कम होने पर वेलासिटी बढ़ता है। थर्ड नंबर क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ये जो क्रांतिक वेग था ये किसके व्युत्क्रमानुपाती था, इसके डायमीटर के, ट्यूब के, ठीक है। जब हम तीनों को ज्वाइनिंग करके लिखेंगे तो इस इज द डाइवर्सन टू ईटा अपॉन डी टी, और जब इसको बराबर करेंगे तो एक कॉन्स्टेंट ले लेंगे ईटा डी और डी, इसी को हम रेनॉल्ड नंबर बोलते हैं, ठीक है। के इज द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रेनॉल्ड नंबर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वी सी डी डी अपॉन ईटा इज इक्वल टू के, ये हो गया ईटा नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर एक क्या है, डायमेंशनलेस नंबर होता है, विमाहीन राशि है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी जानकारी प्राप्त होती है, यह जानकारी हमको मिलता है एक तरह का प्रधारक योग है, तो यह एक विमाहीन राशि होती है। ये मोटे तौर पर इससे हमको यह माना जाता है कि कोई राशि विमाहीन है कि क्या है। ओके, तो ये रेनॉल्ड नंबर है क्या है, एक विमाहीन राशि है। इस राशि से, रेनॉल्ड नंबर से हमको क्या माना जाता है कि किसी तरल का प्रवाह धारा रेखी होगा, क्या है, विक्षिप्त होगा। आज बैठ जाइए यहाँ पे बैठिए, है ना, क्या होगा, धारा रेखी प्रवाह विक्षिप्त हो जाएगा। रेनॉल्ड नंबर इज ए प्योर नंबर, व्हाट इज रेनॉल्ड नंबर, इज ए प्योर नंबर, देयरफॉर इट इज ये क्या होगा, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। क्या होता है, प्योर नंबर है, इसलिए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस है, विमाहीन राशि और मात्रकहीन राशि है।
क्वांटिटी फॉर ए नैरो कैपिलरी ट्यूब इज वैल्यू इज अप्रॉक्स 1000। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, फॉर ए नैरो कैपिलरी ट्यूब विज वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, एक पतली नली में इसका मान कितना हो जाता है 1000। अब यदि k का मान 1000 से कम है तो तरल का प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखी। यदि k का मान क्या होगा, k इज लेस देन 1000 तो ये क्या हो जाएगा, धारा रेखी स्ट्रीम लाइन। नंबर k क्या है, रेनॉल्ड्स संख्या का मान 1000 से कम है तो जो द्रव का प्रवाह कैसा होगा, धारा रेखी या स्त्री प्रवाह होता है। क्लियर, अब यदि k का मान 2000 से अधिक है, मैक्सिमम k इज लेस देन 2000, यदि k का मान क्या होता है 2000 से अधिक है, तरल का प्रवाह क्या होगा, विक्षुब्ध होगा, लुमिनार होगा ना। यदि k का मान 1000 और 2000 के बीच में स्थित है ना, तीसरा k का मान किसके बीच है, 1000 और 2000 के बीच में है, ये k का मान है ना, तो क्या होगा बताओ, पहला क्या बोला था, k का मान 1000 से कम है तो तरल का प्रवाह धारा रेखी होगा, यदि k का मान 2000 से अधिक होगा तो तरल का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह होगा ना, लुमिनार। यदि k का मान 1000-2000 के बीच में स्थित है तो द्रव का प्रवाह अस्थायी होता है, हाँ, इस स्थिति में तरल का प्रवाह, तो इस स्थिति में तरल का प्रवाह स्त्री से विक्षुब्ध प्रवाह, इसके विपरीत विक्षुब्ध से प्रवाह से स्त्री प्रवाह में जाता है। क्या बोला मैंने, स्त्री प्रवाह से विक्षुब्ध प्रवाह और इसके विपरीत विक्षुब्ध प्रवाह से स्त्री प्रवाह तक जा सका, जब k का मान 1000-2000 के बीच स्थित है। चलिए एक बार बोलते हैं, इफ k इज बिटवीन 0 to 1000 देन द फ्लो ऑफ लिक्विड इज लुमिनार, है ना। क्या बोला मैंने, k का मान 0-2000 के बीच होगा तो फ्लो ऑफ लिक्विड इज लुमिनार, इफ k इज लेस देन 3000 द फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, इफ k इज बिटवीन 2k and 3k द फ्लो ऑफ लिक्विड इज अनस्टेबल एंड इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम लुमिनार फ्लो इंटू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, लुमिनार फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो, क्लियर हुआ। ये हो गया हमारा छोटा सा एक, किसको छोटा सा, किसके बारे में जानकारी हो गई, किसके बारे में जानकारी होगी ओम तिवारी जी, रेनॉल्ड नंबर है ना, क्या नंबर एक बार बोलिए हमारे साथ, नंबर। ओके, अब हम देखेंगे अगला टॉपिक हमारा कल का रहेगा, आज की तो क्लास हमारी ओवर हो गई है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कल की क्लास आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, क्या होगा कल की क्लास हमारी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हम बोलते हैं सातत्य समीकरण। तो यदि कोई इस सातत्य समीकरण प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी सातत्य, यदि कोई आदर्श द्रव अर्थात अशन पीढ़ी और अशन द्रव किसी नली में, क्या बोला मैं, यदि कोई असंपीढ़ी तथा अशन द्रव किसी असमान प्रच्छेद वाली, यदि कोई असंपीढ़ी या असमान द्रव किसी असमान अनुपच्छ प्रच्छेद वाली नली में धारा रेखी प्रवाह में बढ़ता है तो प्रत्येक स्थान पर अनुपच्छ प्रतिद का क्षेत्रफल, प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह का वेग का गुणनफल क्या होता है, एक नियत होता है, सदैव नियत, इसे हम अवरेतता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे, व्हेन एन आइडियल लिक्विड मींस इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कोस फ्लोज टू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड इट्स फ्लो ऑफ स्टीम लाइन देन इट एवरी पॉइंट द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब एंड द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज कॉन्स्टेंट, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है,
इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, मैंने प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज कॉन्स्टेंट। ठीक, यदि मैंने आदर्श द्रव, आदर्श हिंदी वाले समझ लो, आइडियल द्रव मैंने आइडियल लिक्विड है, लिक्विड आदर्श द्रव को क्या बोला था, क्या बोले थे आदर्श द्रव को, क्या बोले थे आदर्श द्रव को, असंपीड़ी, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, माने जिसको हम इनकम्प्रेसिबल, एंड नॉन विस्कस, किसी ट्यूब में, किसी नली में, किसमें भरा हो, धारा रेखीय स्ट्रीमलाइन फ्लो में, यदि कोई आदर्श द्रव अर्थात इनकम्प्रेसिबल, असंपीड़ी और अशांत द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा हो, तो किसी स्थान पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एंड वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इट मीन्स कॉन्स्टेंट, तो उसका द्रव प्रवाह का वेग और उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल का गुणनफल एक नियत राशि होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सातत्य का समीकरण। तो ये हमारा कल का टॉपिक है, क्लियर। तो इस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, सातत्य समीकरण। तो इसको कल हम विस्तार से देखेंगे, सातत्य समीकरण, बहते हुए द्रव में कौन कौन सी ऊर्जा होती है, और उस बहते हुए द्रव की ऊर्जा के आधार पर बर्नौली ने अपने इक्वेशन दिया था, उस बर्नौली का क्या इक्वेशन था, फिर बर्नौली के जो बर्नौली जो ने इक्वेशन दिया था, नियम दिया था, उसका हम एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे वेंचुरी मीटर। तो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लोग न छोड़ें, ध्यान से देखें, ये चैनल, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों के ज्ञान के लिए है, आप लोगों के नॉलेज के लिए है, आप लोगों के स्टडी के लिए है, आगे बढ़ने के लिए है। तो आपको एक छोटा सा काम क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और लाइक करना है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और कमेंट करना है, क्लियर। कमेंट में ये पूछना है कि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो माय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके।